आज मैं पत्र खबरों छोटी बड़ी खबरों के साथ प्रेम वाजपेयी पत्रकार रेवसा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ तो सभी लोग मेरे चैनल को खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज मैं बता दूं कि जहां एक तरफ जिले के मुखिया एसपी विभागी प्रभाकर चौधरी जी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की हर थानों को हिदायत दे रखी है, वहीं कल रेवसा सेक्शन का निरीक्षण भी किया और निरीक्षण करने के बाद चले गए। उसके बाद में आज बीती रात 26:27 की सुबह अज्ञात चोरों ने स्थानीय कस्बा रेवसा चौराहे पर दो पान के डालों को अपना निशाना बना डाला और निशाना बनाते हुए एक डाले में सफल रहे और एक डाले में असफल रहे। महमूदाबाद रोड कस्बे से थाने से मात्र करीब 500 किलोमीटर दूरी, कस्बा चौराहे से मात्र 200 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर महमूदाबाद रोड पर दो पान के डालों को निशाना बनाया, जिसमें दोनों डालों के ताले तोड़कर एक राहुल पुत्र आशाराम महमूदाबाद रोड पर बस स्टैंड पर पान की दुकान रखी हुई है, जिसको ताला तोड़कर उसमें नकदी समेत करीब 28,000 रुपये का सामान चोरी कर ले गए, पीड़ित के अनुसार बताया गया। दूसरा श्यामू पुत्र आशाराम पाल की दुकान को ताला तोड़कर उसमें सामान ले जाने से असफल रहे। वहीं जो है जब पीड़ितों द्वारा थाने में तहरीर दे दी गई है और पुलिस से जब यशो महेश पाठक से बात की गई घटना के बारे में, तो उन्होंने बताया कि घटना से इनकार किया और कहा कि ऐसी कोई सूचना हमें नहीं है। क्या हुआ भैया, इस जगह क्या हुआ? दुकान तोड़ दी है। कहाँ की दुकान? पान की दुकान। किसकी है, तुम्हारी है? हाँ, हमारी। क्या नाम है तुम्हारा? आशाराम। कहाँ रहते हो? रेवसा। कौन मोहल्ले में? पुरानी रेवसा। किसके लड़के हो? रंगीलाल जी। डाला कहाँ पर रखा है आपका? ये जो है मार्केट में। कौन रोड पर? अहमदाबाद रोड पर। कैसे टूटा है डाला? हम लोग तो चले गए, रात में टूट गया। नहीं, ताला टूटा है कि फंटी टूटी है? ताला टूटा। ताला तोड़ के कुछ सामान तो नहीं गया? सामान बहुत मिल ही रहा है, लगभग मैं जो है 18-20 हज़ार रुपये का सामान चला। 18-20 हज़ार रुपये का? नकदी कितनी थी? नकदी लगभग 3,000 रुपये। 3,000 रुपये। पुलिस को सूचना दिया? नहीं, अभी तो नहीं दिया। दोगे नहीं? देंगे। आज घटना ये कब की है? रात की। कई तारीख? 26 की रात की। 27 की सुबह की, नवंबर की घटना है आज सुबह की। डाला कहाँ है? महमूदाबाद रोड पे है, हामिद विश्वा मोबाइल सेंटर के सामने। विश्वा मोबाइल सेंटर के सामने। कहाँ पे है? महमूदाबाद रोड के पास। घूम जाओ। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये महमूदाबाद पर जो है, महमूदाबाद तांडव हो रहा है। कई डाले टूट चुके हैं इस रोड पे। कई डाले टूट चुके हैं। इसके पूर्व में भी टूटे हैं? अभी इसके पूर्व में बहराई रोड में एक डाला टूटा हुआ था, इसमें उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, कोई नहीं पकड़ा गया है। और आज ये डाला टूटा है महमूदाबाद रोड से। भोपाल का खोल के सामान कलाकार लेके ले नहीं जाते हैं। जामू पाल का डाला जो है तोड़ के सामान भर के रखा, लेकिन वो ले नहीं जा पाए और झोला जो है उसी में छोड़ के भाग गए। इसी रोड पे है, चंद कदम की दूरी पे है चौराहा, उसे मात्र 50 मीटर की दूरी है, जबकि चौराहे पे पुलिस गश्त भी करती है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? महमूदाबाद रोड पे। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पुलिस की कार्यशैली पे जो है प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और कटघरे के घेरे में खड़ा कर रही है उनकी कार्यशैली। और आप लोग देख रहे हैं कि ये देखिए, जो ये महमूदाबाद रोड पे चौराहे से थाने से चंद कदमों की दूरी पर आए दिन जो है चोरों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस अपनी कार्यशैली पे से बाज नहीं आ रही है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है आज
26 नवंबर की रात और 27 की सुबह जो है महमदाबाद पर रोड पर चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर, और यूं कह लें कि थाने से चंद कदम की दूरी पर, क्योंकि डाले को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि डाले का ताला तोड़ करके उसमें से नकदी समेत लगभग 18-20 हज़ार रुपये का सामान जो बताया जा रहा है लोगों पीड़ितों के द्वारा, वो अज्ञात चोर हाथ साफ कर गए। और आप लोग देख रहे हैं कि ये डाला खुला हुआ है, यहाँ पे भीड़, ये इकट्ठा जो आप लोग देख रहे हैं ये उसी डाले की जो है चोरी जो हुई है उसी के भीड़ है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है, और ये हमारे प्रत्यक्षदर्शी हैं। और ये डाला है जो कि चंद कदमों की दूरी पर चौराहे पर यह घटना को अंजाम दिया गया है अज्ञात चोरों द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है इसके पहले कई भी वारदातें यहाँ पे और की गई हैं चोरों द्वारा, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी पर कार्रवाई जो है नहीं की है, ना तो किसी को पकड़ा गया है। जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया जा रहा है कि इसके पूर्व में तमाम घटनाएँ आए दिन चोरों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक उन तक पहुँचने में बौनी साबित हो रही है यहाँ पे। और ये हमारे प्रत्यक्षदर्शी हैं, यहाँ पे भीड़ है, ये महमूदाबाद की रोड पर जो है बस स्टॉप के पास की घटना है, और जबकि चौराहे पर यहाँ पर लोग बताया जा रहा है कि लोगों के द्वारा कि चौराहे पर पुलिस बराबर गश्त करती रहती है, और उधर जो है चोर चोरी करने में मस्त रहते हैं, और पुलिस बराबर जो है कैसे माना जाए कि पुलिस जो है सक्रिय है। अपनी कार्य मुखिया जो ज़िले के हैं एसपी साहब, अभी भी कल जो है एसपी साहब ने थाने का मुआयना किया लगभग 5 बजे के टाइम में, और नसीहत दे रखी कि कोई भी कहीं घटना घटने ना पाए। उसके बावजूद एसपी के जाने के बावजूद रात में ही अज्ञात चोरों ने जो है अंजाम दे डाला। यहाँ पे महमदाबाद रोड पर दो डालों को निशाना बनाया, जिसमें एक में जो बताया जा रहा है एक डाले में असफल रहे, लेकिन एक डाले में सफल हो गए। लगभग 18-20-30 हज़ार रुपये का सामान चोरी करने में चोर सफल रहे। ये महमदाबाद रोड की घटना है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, और जो पीड़ित है उसके द्वारा इसमें वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि उसका दर्द, और उसने पुलिस को प्रार्थना पत्र देने की बात कही है। अभी समाचार होने तक दिया नहीं गया है, लेकिन देने की बात कही है कि सूचना देने की पुलिस को अपने यहाँ जो घटना घटी है। कितने बजे दोगे? अभी दे आए हो? अभी नहीं जाएंगे। अभी जा रहे हो? अच्छा, लगभग कितने का सामान गया है? 30 हज़ार रुपये का। पीड़ित का कहना तो यह है कि 30 हज़ार रुपये का सामान गया है, और ये रोज़ की भांत दुकान बंद करके अपने घर पे सो रहा था, और ये कस्बे के अंदर है और लोगों के मकान के सामने है, जबकि चोर इतनी उनकी हिम्मत को दाद देनी होगी, कितना जो है बेदर्द जो है बेधड़क जो है चोरों ने जो है धावा बोलकर भरे कस्बे से घर के मकान के सामने रखे डाले को तोड़ करके और अपना हाथ साफ किया, यहाँ सफलता हासिल की। ये दुकान है, आप लोग देख रहे हैं कि कितनी निर्मम तरीके से, दयनीय तरीके से, और ये ताला टूटा हुआ पड़ा है यहाँ पे, ये ताला टूटा हुआ पड़ा है जहाँ पे, और ये प्रत्यक्षदर्शी हैं हमारे यहाँ के जो इस भीड़ को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पे घटना घटी है और चोरी की घटना घटी है। जहाँ एक तरफ ज़िले के मुखिया एसपी साहब अपनी सराहना का जो है सराहना कर रहे हैं पुलिस की कि पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है, कहीं वहाँ एडमिट करा रही, कहीं कुछ करा रही है, पुलिस की मिसाल कायम कर रहे हैं, लेकिन वहीं चोर जो है अपनी चोरी से बाज नहीं आ रहे हैं, और पुलिस ये कार्यशैली पुलिस की जो है कटघरे में प्रश्न चिन्ह लगाती है कार्यशैली पर कि यहाँ पर चोर कितना सक्रिय हैं, चोरी करने में मस्त हैं, लेकिन पुलिस अपनी कार्यशैली से बाज नहीं आती है, वसूली में मस्त है यहाँ पे जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है। और किसके वहाँ सामने की दुकान में जो है तो सामान निकाल के ले नहीं जा पाए, ले नहीं जा पाए, लेकिन ताला तोड़ा था क्या? ताला टूटा। अच्छा था, ताला टूटा। ये सामू किसके लड़के हैं? किसके लड़के? रामू पान वाले भाई हैं। अच्छा अच्छा, रामू पान वाले के भाई हैं। सामान कुछ तो नहीं गया? सामान झोले में भर के रखा, ले नहीं जा पाए। अच्छा अच्छा, ये चौराहे से लगभग कितनी दूरी होगी? 20 मीटर। और थाने से कितनी दूरी होगी? 200 मीटर थाने से दूरी है जहाँ पे यह घटना घटी। क्या हुआ है? अरे सामान दुकान टूट गए, सामान तब लेके गवा रख गवा ले जाए कुन ना है। ये कहाँ पे दुकान है? महमूदाबाद रोड पे। किसके सामने? कपिल कटराली वाले। क्या नाम है तुम्हारा? मतलब डाले को तोड़ा। किसके लड़के हो? आसाराम पाल। सूचना थाने में दी? नहीं। दो गए? हाँ दे। ठीक।
ये देखिए यहाँ पे दूसरा दूसरी घटना को अंजाम दिया है, लेकिन यहाँ पे असफल रहे चोर और इस डाले को जो है महमूदाबाद पे दोनों डाले हैं और यहाँ पे जो है डाले को तोड़ा और सामान ले जाने में असफल रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि असफल रहे कि कोई कहीं किसी से आने की आहट पा करके। इसके बाद ये प्रत्यक्षदर्शी हैं यहाँ पे हमारे जो इस डाले के पास में खड़े हुए हैं। ये दूसरी घटना है यहाँ पे जो मतलब एक रात में दो जगह दो डालों को निशाना यहाँ पे बनाया गया है अज्ञात चोरों द्वारा और यहाँ पे असफल रहे, लेकिन एक जगह दुकान में चोरी चोर करने में सफल रहे। और यहाँ पे ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस की कार्यशैली बिल्कुल निष्क्रिय साबित हो रही है और चोरों तक इतनी भी यहाँ पर जो लोगों का कहना कि अभी तक जो घटनाएं घटी हैं वहाँ पर एक भी पुलिस जो है अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है और जो है चोरी करने में जो है मशगूल नज़र आते हैं। पुलिस उन तक पहुंचने में पुलिस के हाथ बौने साबित हो रहे हैं। आए दिन चोर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस यहां की जो है जबकि चौराहे पर बराबर गश्त लगा रही है, लेकिन गश्त किस प्रकार से लगा रही है ये राम जाने कि यहां पे इस प्रकार से जो है घटनाएं हो रही हैं। और जब अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कल ही जो है 26 नवंबर को पुलिस अधीक्षक एसपी साहब जिले के मुखिया रेवसा थाने का निरीक्षण भी किया और उसके बावजूद नसीहत भी दे रखी कि कहीं से कोई प्रकार की दिक्कत और शिथिलता न बरती जाए पुलिस की तरफ से, लेकिन ये शिथिलता साफ जाहिर हुई पुलिस के एक तरफ निरीक्षण करने के बाद जाने के बाद यहाँ पे चोरों ने अंजाम और चुनौती दे डाली पुलिस को। और अभी तक ये आप लोग देख रहे हैं घटना महमूदाबाद रोड की है और लोगों के द्वारा बयान दिया गया और लोगों के द्वारा जो है बताया गया।